मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 इंडियाज नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया आपका भारत, आपका देश, आपकी कंट्री एंड नेबर्स मतलब उसके पड़ोसी। जैसे आपका घर होता है ना, उसके आपके घर के आसपास जितने भी घर होते हैं वो आपके नेबर्स होते हैं, है ना, वो आपके पड़ोसी होते हैं। उसी तरह से जो आपके कंट्री है, आपका जो देश है, यहाँ पर आप मैप देखिए, उसके जो पड़ोसी हैं, उसके आसपास जितने भी देश हैं वो उनके क्या हुए बेटा, वो भी क्या कहलाए जाते हैं, उनके पड़ोसी नेबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, इंडियाज नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। लुक एट दिस मैप डियर स्टूडेंट्स, यू विल नोटिस दैट पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान है यहाँ पर, बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश, नेक्स्ट वन भूटान, ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान, श्रीलंका, चाइना, ठीक है, एंड म्यांमार। ये बेटा जो ये वाइट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है सारा, ठीक है, ये सारा ये क्या है, आपके पड़ोसी देश, इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स मीन टू से कि हमारे एकदम हमारे जिनकी सीमाएं हमारे देश के साथ बिल्कुल लगती हैं उनको हम बोलते हैं इमीडिएट नेबर्स। ये हमारे बिल्कुल साथ लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं वो हैं। बिसाइड्स दीज सेवन कंट्रीज, ये कंट्रीज़ बेटा सेवन हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना एंड म्यांमार। इन सेवन कंट्रीज़ के साथ साथ दो कंट्रीज़ और हैं जो हमारे क्लोज नेबर्स हैं, यानी हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश माने जाते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान। यहाँ से इसका बॉर्डर हमारे साथ मैच करता है, थोड़ा ही दूर है ये, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। नेक्स्ट एंड दिस मालदीव्स, ये दोनों कंट्रीज़ भी हमारे क्लोज नेबर्स हैं। ओके, नोटिस ऑन द मैप दैट इंडिया शेयर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अब आप देखिए पाकिस्तान के, ये हमारा इंडिया जो है ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये कौन सा है, वेस्ट पोर्शन। तो नॉर्थ और वेस्ट में पाकिस्तान की सीमाएं हमारे देश से लगती है, बॉर्डर जो है वो साथ लगता है, अटैच होता है। एंड नेक्स्ट चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और चाइना, नेपाल और भूटान हमारे नॉर्थ में हैं। एंड नेक्स्ट म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड ये है, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश बोथ हमारे ईस्ट में है, हमारे देश के बॉर्डर के साथ उनकी सीमाएं मिलती हैं। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज़ आर साउदर्न नेबर इन द सी, और ये है श्रीलंका। श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको आइलैंड बोलते हैं। जो चीज़ बेटा चारों तरफ से पानी से घिरी होती है उसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात। अब श्रीलंका देखिए, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये भी साउथ में, ये हमारे इंडिया का साउथर्न पार्ट है, तो ये हमारे साउदर्न नेबर है, ठीक है, साउथ का पड़ोसी है, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडिया बिलीव्स इन पीस। भारत के हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं हमारे देश की, क्या क्या विशेषताएं हैं। इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड अ पाथ ऑफ पीस, भारत ने हमेशा ही शांति का रास्ता अपनाया है। बेटा हिस्ट्री, हमारे इतिहास में आप उठाकर देखिए, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी और देश पर कब्जा करने के लिए या उसकी कोई चीज़ को हथियाने के लिए, उसको अपने अंडर करने के लिए किसी पर आक्रमण किया हो, नहीं किया। भारत ने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आक्रमण किया है, ठीक है। इंडिया जो है हमेशा शांति का रास्ता अपनाता है। हिस्ट्री प्रूव्स दैट इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी, यानी किसी भी दूसरे देश को हड़पने के लिए, उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा दिखाने के लिए भारत ने किसी भी देश पर आक्रमण कभी नहीं किया। वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अवर नेबर्स एज वेल एज फार अवे कंट्रीज, हम हमेशा दोस्ताना रिश्ते बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, और जो दूसरे देश हैं, जो बेशक जिनकी सीमाएं हमारे साथ नहीं लगती हैं, उन देशों के साथ भी हम अपने पड़ोसी देशों के साथ, और जिन देशों की सीमाएं हमारे देश के साथ नहीं लगती हैं उन कंट्रीज़ के साथ भी अपने फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं। वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल मीन्स, अगर कोई हमारा आपसी झगड़ा होता भी है तो हमारे देश की कोशिश रहती है कि हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लें, यानी बातचीत द्वारा उसको निपटाया जा सके। This policy has helped us to share cultural and trade relations with our neighbors since ancient time. यह जो नीति है ना बेटा, ये जो पॉलिसी है हमारी पीसफुल पॉलिसी, यानी कि जो शांति के पथ पर चलने की पॉलिसी है, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की जो पॉलिसी है, ये नीति है, ये हमारी हमेशा हेल्प करती है कि हम अपने कल्चरल, सांस्कृतिक एंड व्यापारिक संबंध, यानी हम अपनी संस्कृति को दूसरे देशों तक फैलाएं, अपने संस्कारों को दूसरे देशों तक फैलाएं, और ट्रेड रिलेशंस और व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ बना सके। और यही नीति हमारी प्राचीन भारत से रही है, यानी बहुत पहले जो स्टार्टिंग के अर्ली मैन के बाद जो ये हमारे राजा महाराजा जितने भी हुए हैं उन सब की यही नीति रही है स्टार्टिंग से ही।
डू यू नो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 नेबरिंग कंट्रीज। बेटा सार्क, सार्क का नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, यानी कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाई गई एक एसोसिएशन, एक संगठन है ये, जो कि आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक दूसरे की सहायता करते हैं देश। उनके ये आठ कंट्रीज ने मिलकर, पड़ोसी देशों ने मिलकर के ये बनाया है और ये साउथ एशिया में है। दे आर, और कौन कौन सी आठ कंट्रीज इसमें शामिल हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ये सभी लोग जब इनमें कोई म्यूचुअल झगड़ा होता है या म्यूचुअल इसमें हमारा डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो ये सभी देश मिलकर के आपस में बैठकर बातचीत के जरिए वो सुलझाते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम कॉमन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर दैट वी शेयर विद अवर नेबर्स। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या शेयर करते हैं, आइए देखते हैं। लैंग्वेजेस, फूड एंड कल्चर हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, वैसे तो आप सुनते हो कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी बेटा बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं हमारे देश में जो कि पाकिस्तान के साथ मैच करती हैं। ठीक है, पाकिस्तान का अस्तित्व, यानी 1947 में पाकिस्तान एक अलग राज्य बन गया था, उससे एक अलग कंट्री बन गया था, लेकिन 1947 से पहले बेटा पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई सीमाएं नहीं थी, बॉर्डर लाइन नहीं थी, यानी कि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, 1947 के बाद ये एक अलग देश बना। टिल देन पाकिस्तान वॉज ए पार्ट ऑफ इंडिया, तब तक भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान भी। वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसलिए हमारी जो इतिहास है, कल्चर है, वो एक जैसा लगता है। हैंस देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज इन लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू। भारत में भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे लखनऊ है आपका, आप यूपी में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे राज्य आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आपको उर्दू लैंग्वेज वाले लोग, बोलने और पढ़ने वाले लोग मिल जाते हैं। तो हिंदी और उर्दू जो है दोनों ही देशों की कॉमन लैंग्वेज है। बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत, और दोनों ही लैंग्वेजेस बेटा, संस्कृत आप देखो, संस्कृत हमारी वेदों की भाषा मानी जाती है, हमारी बहुत सांस्कृतिक भाषा मानी जाती है, सांस्कृतिक लैंग्वेज, कल्चरल लैंग्वेज है हमारी संस्कृत। और उर्दू और हिंदी दोनों ही संस्कृत से प्रकट हुई, यानी संस्कृत का एक पार्ट है, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और संस्कृत को कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, सभी भाषाओं को जन्म देने वाली कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत। और उर्दू और हिंदी जो हैं बेटा, वो दोनों ही लैंग्वेजेस संस्कृत लैंग्वेज का एक पार्ट हैं। अब हिंदी और उर्दू में हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है। हिंदी इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम हिंदी जब लिखते हैं ना बेटा, हिंदी को लिखते हैं तो हम ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, और जब हम, और ये कहाँ कौन सी स्क्रिप्ट से ली गई है? देवनागरी लिपि से ली गई है। और उर्दू जो है हम वो इस तरफ से लिखनी शुरू करते हैं, पेज के ऑपोजिट, जहाँ पेज लाइन ख़त्म होते हैं ना, वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। और ये पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट कॉल्ड नेस्टैलिक से लिया गया है, नेस्टैलिक लिपि से ली गई है। हिंदी यूजेस वोकैबुलरी फ्रॉम संस्कृत। हिंदी में ज़्यादातर जो शब्द हैं वो संस्कृत के यूज़ किए जाते हैं, और उर्दू में जो ज़्यादातर शब्द हैं वो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज के यूज़ किए जाते हैं। ओके बेटा, तो ये था हमारा डिफरेंस उर्दू और हिंदी में और सिमिलैरिटीज़ लैंग्वेजेस की। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट हिंदी यूजेज वर्ड्स फ्रॉम पर्शियन एंड अरबिक। और बच्चे ये एक बड़ी हैरानी की बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज के यूज़ किए जाते हैं, और उर्दू में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत लैंग्वेज के यूज़ किए जाते हैं। है ना हैरानी वाली बात? यानी क्योंकि दोनों की जो जननी है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था जैसे मैंने पहले बताया था 1947 से पहले, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अक्षर हैं, वर्ड्स हैं जो कि सेम सेम नज़र आते हैं दोनों में से, सेम मतलब बेस जो है वो सेम प्रोवाइड करवाते हैं दोनों को। ठीक है, डू यू नो द वर्ड उर्दू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्किश वर्ड फॉर टेंट, आर्मी और हॉर्ड, उर्दू, यानी कि उर्दू जो है वो कहाँ से निकला है, जो शब्द है वो कहाँ से उर्दू ओरिजिनेट, उसका कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है? वो एक टर्किश वर्ड है, तुर्की यानी कि मुस्लिम वर्ड है, जो कि टेंट, आर्मी और हॉर्ड यानी उर्दू के लिए यूज़ किया जाता है, उसका एक्चुअल मीनिंग है। उर्दू वाज़ ए लैंग्वेज ऑफ द आर्मी, आर्मी की लैंग्वेज है ये, सेनाओं की लैंग्वेज है, एंड द कॉमन पीपल बिफोर बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल्स ऑफ दिल्ली एंड द नवाब ऑफ लखनऊ।
और ये सामान्य लोग जो है, आम लोग हैं, इस लैंग्वेज को मतलब ये दरबारी लैंग्वेज मानी जाती थी। मुगल्स ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली के जो सुल्तान्स थे, राजा थे, जो मुस्लिम लोगों ने आकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था, उनकी लैंग्वेज मानी जाती थी। लखनऊ के जो नवाब्स हैं, बड़े बड़े रिचेस्ट फैमिलीज हैं, उन लोगों की लैंग्वेज ये मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट, कॉमन हिंदी एंड उर्दू फ्रेजेस। कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं यानी कि कुछ ऐसी कहावतें या प्रोवर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हिंदी, जो कॉमन है, जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो दोनों लैंग्वेजेस में किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। देखिए बच्चे, हेलो हम इंग्लिश में बोलते हैं हेलो, हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, और उर्दू में उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल हम अपनी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग यूज़ करते हैं। हिंदी में यूज़ किया जाता है सुप्रभात, और उर्दू में यूज़ किया जाता है सबा खैर। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हैं, एंड आपका ताल्लुक कहाँ से है। गुड बाय, अलविदा एंड खुदा हाफिज। बेटा बेसिकली जो उर्दू लैंग्वेज है ना, उसको बड़ी तहजीब वाली लैंग्वेज माना जाता है, मैनर्स वाली लैंग्वेज माना जाता है, कि बहुत मतलब अच्छा लगता है उसके वर्ड्स अगर हम बोलते हैं सुनने वाले को और बोलने वाले को, दोनों ही। इसलिए उर्दू को भी एक रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, कि उर्दू भी एक ऐसी शब्द है, एक नवाबों की लैंग्वेज है, ठीक है, एक मैनर्स वाली लैंग्वेज है। सिमिलैरिटी ऑफ फूड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि इंडिया एंड नेपाल में सिमिलैरिटी, फूड में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, खाने की जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो कैसी होती हैं। देखिए, द ट्रेडिशनल नेपाली मील कंसिस्ट ऑफ दाल भात एंड तरकारी, यानी प्लस पल्सेस राइस एंड वेजिटेबल करी। जो हमारी नेपाली मील है यानी नेपाल का जो खाना है, उसमें बेटा क्या चीज़ें होती हैं, दाल होती है जिसको हम पल्सेस भी बोलते हैं, भात यानी चावल, राइस होते हैं, तरकारी यानी सब्जी। यहाँ हमने अपनी लैंग्वेज में भी इसको दिखाया है, पल्सेस राइस एंड वेजिटेबल करी। सिमिलर फूड इज सर्व्ड इन मैनी इंडियन हाउस होल्ड्स ऑल्सो। इसी तरह का खाना जो है वो बहुत सारे इंडियन घरों में बनाया जाता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट नेपाली फूड इज़ मच लेस स्पाइसी देन इंडियन फूड। फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा कि हम इंडियन लोग जो हैं वो मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो ये नेपाली लोग हैं वो मसाले कम यानी स्पाइसी कम, मिर्च तीखा कम खाते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फूड इज़ मोर एविडेंट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। और सबसे ज़्यादा नेपाल के साउथ वेस्टर्न हिस्से में, साउथ वेस्टर्न जो एरिया है, वहाँ पर इंडियन फूड जो है वो बहुत ज़्यादा यानी स्पाइसी खाना वहाँ पर खाया जाता है, इंडियन फूड खाया जाता है वहाँ पर। द रेस्ट ऑफ नेपाल इज़ इन्फ्लुएंस बाय तिब्बतियन एंड चाइनीज़ कुजिन। और जो नेपाल का तिब्बत और चाइनीज़ का एरिया है वहाँ पर, आप देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ बेटा, ये रहा आपका नेपाल। जो एरिया हमारी सीमाओं से लगता है यानी उत्तर प्रदेश से लगता है, हमारे यहाँ पर ये एरिया बिहार एरिया से लगता है, या फिर उत्तरांचल से मैच करता है ना, बाउंड्रीज के साथ शेयर करता है, यहाँ पर बच्चे इन एरियाज़ में बच्चे क्या होता है कि इंडियन फूड फेमस है, ठीक है, कम स्पाइसी इंडियन फूड। और जो एरिया जो बाउंड्री है चाइना के साथ शेयर करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा फूड शेयर करते हैं, वो वहाँ पर चाइनीज़ और तिब्बतियन कुजिन्स जो होती हैं वो चलती हैं, ठीक है। अब बेटा, डू यू नो नेपलीज डेलिकेसी मोमोज, डम्पलिंग फिल्ड विद मीट और वेजिटेबल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। आज हम इंडिया में मोमोज भी खाए जाते हैं, बहुत सारे खाए जाते हैं ना, खाते हो ना आप सभी। द नॉन वेजिटेरियन कुजिन ऑफ इंडिया, जो नॉन वेजिटेरियन खाना है इंडिया का, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज़ वेरी सिमिलर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मैच करता है, वो सेम एरिया सेम ही कुजिन चलते हैं इसमें नॉन वेजिटेरियन में। कबाब आर एन ऑल टाइम फेवरेट विद एवरी वन, कबाब हर कोई व्यक्ति पसंद करता है। डोसा इज साउथ इंडियन डिश, डोसा जो है वो साउथ इंडियन डिश है, तमिलनाडु केरला में खाया जाता है। फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंकन कुजिन, और श्रीलंका में भी डोसा बहुत फेवरेट है तरीके से खाया जाता है, बहुत फेवरेट, लोग चाव से खाते हैं, ठीक है। डू यू नो चाइनीज़ फूड इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, चाइनीज़ फूड पूरे भारत में बहुत फेमस है, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज़ फूड दैट इज़ अवेलेबल इन चाइना। पर चाइनीज़ लोग जो हैं वो उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, और इंडियन जो हैं वो चाइनीज़ फूड को अलग तरीके से बनाते हैं, यानी दोनों की जो कुकिंग प्रोसेस है वो दोनों की अलग अलग होती हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ड्रेस विद आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी जो ड्रेसेस हैं, हमारे जो क्लॉथिंग है, वो कैसे मैच करती हैं। देयर इज़ ग्रेट सिमिलैरिटी इन ड्रेसेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन दैट आर मॉर्न इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। जैसे कि खाने में और लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज़ हैं, वैसे ही ड्रेसेस में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि साड़ी एंड सलवार कमीज़ आर द ट्रेडिशनल ड्रेस इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर ही साड़ी और सलवार कमीज पहन डाली जाती है, लोग पहनते हैं। साड़ी जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पाई जाती है, पहनते हैं गर्ल्स जो हैं, वुमेन्स हैं। हाउएवर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी इज़ क्वाइट डिफरेंट इन मोस्ट कंट्रीज़,
जबकि ट्रेडिशनल साड़ी का जो पहनने का तरीका है, पारंपरिक तरीका है, बस वो थोड़ा थोड़ा अलग है। बांग्लादेश में किसी और तरीके से साड़ी पहनी जाती है, तो पाकिस्तान में किसी और तरीके से पहनी जाती है, यानी कि जो वे ऑफ वियरिंग है, पहनने का जो तरीका है, वो अलग अलग है। बांग्लादेशी जो मैन है वो क्या पहनते हैं बेटा, कुर्ता पजामा, ठीक है, जो कि हमारे भारत में भी पहना जाता है, हरियाणा में भी बहुत लोग पहनते हैं, पंजाब में भी पहनते हैं कुर्ता पजामा, है ना। फिर आता है बच्चे मेखला चादर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल। अब मेखला चादर इस तरीके की ड्रेस होती है, नेपाल में भी पहने, चाइना में भी पहनी जाती है, नेपाल में भी पहनी जाती है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि हमारे असम इस साइड भी ये ड्रेस बहुत फेमस है। इन म्यांमार लुंगी सरोंग जिसको बोलते हैं, एंगई ब्लाउज बोलते हैं, लुंगी ब्लाउज भी पहना जाता है। सिमिलरली सिमिलर ड्रेस ऑफ लुंगी ब्लाउज इज वॉन इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका, सेम ड्रेस साउथ इंडिया और श्रीलंका में भी पहनी जाती है। ट्रेडिशनल ड्रेस वॉन इन लद्दाख एंड भूटान इज क्वाइट सिमिलर टू द हम्फू ऑफ चाइना। चाइना में जो हम्फू पहना जाता है वो लद्दाख और भूटान में भी एक जैसी वही ड्रेस पहनी जाती है, यानी कि जो सीमाओं से बॉर्डर से अटैच जो सिटीज़ है ना बेटा, कंट्रीज हमारे देश की और चाइना या पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ जो बॉर्डर लग साथ हमारी स्टेट्स लगती हैं, जो बॉर्डर्स इनके साथ जो हमारी स्टेट्स शेयर करती हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल ही सेम ड्रेसेस पहने जाते हैं, सिर्फ नाम चेंज होता है और पहनने का तरीका, ठीक है। द मैन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पजामा और शर्ट कोट विद पजामा। मुस्लिम इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर सलवार कमीज जिसको हम पठानी सूट बोलते हैं, विच इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मैन, बट द मॉडर्न जनरेशन हैज़ रिमूव्ड ऑल डिफरेंसेस एंड यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड जीन्स एंड टी शर्ट्स। अब देखो जेंट्स जो होते हैं कुर्ता पजामा सब जगह पहना जाता है ना, पठानी सूट भी पहना जाता है, जीन्स टी शर्ट हर एरिया में, हर कंट्री में, हर देश में पहनी जाती है ना। द सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज फूड एंड ड्रेस दैट वी शेयर विद आर नेबरिंग कंट्रीज हाईलाइट आर कल्चर कल्चरल बॉन्ड्स। अब देखिए कितनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी लैंग्वेजेस में, फूड में और ड्रेसेस की विद दूसरी कंट्रीज़ के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, उससे हमारा कल्चरल बॉन्ड जो है, हमारा जो रिश्ता है, सांस्कृतिक रिश्ता है, वो पता चलता है, ठीक है। द एक्ट दे एक्ट एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड इवन इन द फेस ऑफ डिफरेंसेस। बेशक हमारे देश में कितने ही अंतर रहे हों, मतभेद रहे हों, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन अंतरों को ख़त्म करती हैं, डिफरेंसेस को ख़त्म करती हैं और एक अनडिफाइंड सा एक रिश्ता हमारे बीच में बॉन्ड बना देती हैं, ठीक है। तो ये था बच्चा हमारा लेसन नंबर 13, जिसमें हमने अपने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा, इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, क्लोज रिलेशनशिप और इमीडिएट जो बाउंड्रीज हैं वो कौन कौन से देश के साथ हम शेयर करते हैं। ओके बेटा, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, टेक केयर, गुड बाय।